सो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की भविष्यवाणी साल 1998 में ही कर दी गई थी, और भविष्यवाणी करने वाला कोई पंडित या विदेश मामलों का जानकार नहीं बल्कि एक कार्टून कैरेक्टर था। Yes, you heard that right. अपने जमाने के मशहूर कार्टून शो द सिम्पसन में सोवियत संघ की वापसी और एक बार फिर शीत युद्ध होने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बाय द वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। जहां एक रिपोर्ट में छपी खबर के अनुसार इस लोकप्रिय सीरीज के एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सिम्पसन्स को रूस और यूक्रेन संकट की भविष्यवाणी करते हुए दिखाया गया है। यह क्लिप सिम्पसन्स डाइड एपिसोड की है, जो कथित तौर पर मार्च 1998 में प्रसारित हुआ था। उस समय बोरिस येल्सिन रूसी संघ के राष्ट्रपति थे, और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि होमर सिम्पसन कैसे नौसेना और एक रूसी पनडुब्बी के साथ शूटिंग मैच में शामिल होता है। पहले तो इस पर्टिकुलर क्लिप पर प्लीज नजर डालें। Yes, that's what we wanted you to think. Mass crush capitalism. जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप में संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत को सोवियत संघ के पतन का खुलासा करते हुए दिखाया गया है, और यह सिर्फ अमेरिका को धोखा देने वाला था। यह क्लिप मजाकिया भी है, जिसमें लेनिन को कब्र से बाहर आते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूंजीवाद को कुचलना चाहिए। इस क्लिप को लगातार शेयर भी किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि द सिम्पसन्स ने इस संकट को पहले कैसे भांप लिया। जब मैं आपको बता दूं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, जो अमेरिका और नाटो ने रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब पूर्वी यूक्रेन के दो प्रांतों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई है, जो यूक्रेन के कई शहरों से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, और कई लोगों को मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। वेल, सो दिस वॉज ऑल रिटन स्ट्रेंज एंड शॉकिंग, राइट? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी इंडिया। और आपको इस पूरे प्रेडिक्शन पे, इस शो पे, सिम्पसन्स पर आपका क्या टेक है? क्या आपने ये शो पहले कभी देखा था? डू लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस सेगमेंट। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।